हेलो नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह में भी कोहरा उतना ही ज्यादा रहता है, धुंध की स्थिति भी उतनी ही ज्यादा रहती है। और ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे में गया के एक फायरमैन जो लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं और करीब 20 साल से वो ऐसी सेवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने वार्ड के पूर्व वार्ड पार्षद है, लेकिन वो अपने वार्ड के लोगों की मदद तो करते ही करते हैं, उसी के साथ अन्य कोई भी वार्ड होते हैं जहां पर लोगों को इसकी जरूरत होती है, अलाव के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, तो एक फोन कॉल पर ये फायरमैन तैयार रहते हैं और तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं सुनिए। जा रहा है और इन दिनों ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और आप अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वजह, क्या सोचे? अब सरकार को देख ही रहे हैं ठंडा में क्या पोजीशन है, जगह जगह जाइएगा वहाँ अंधेरा मिलेगा, कप कप आते ठंड में कागज जला करके रिक्शा वाला गाड़ी वाला ठेला वाला तापता है, देखते हैं तो अफसोस लगता है। लकड़ी का पूरा इंतजाम ठीक से लोग कर नहीं पाया तो अपना फंड से, अपना निजी फंड से हम लोग को करना पड़ता है जरूरतमंद को देखते हुए, जहाँ जहाँ बाहर से, क्योंकि गया शहर एक तीर्थयात्रियों का स्थल रहा है, भगवान विष्णु का स्थल है, हर जगह से लोग आते हैं, बाहर से लोग तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए अपने से हम लकड़ी लेकर के अपना निजी फंड से सब जगह जो जरूरतमंद है जहाँ तक मेरा कैपेसिटी है उतना हम करते हैं। कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि पूरा गया शहर है बांटेंगे तो नहीं गिर जाएंगे, मगर जितना बन पड़ता है उतना हम करते हैं। आप अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में? हाँ, किसी का भी वार्ड हो, हम अपने वार्ड से दूसरा जगह का वार्ड का कुत्ता बिलाई हम सब उठाए हैं, मरा हुआ उठाए हैं, कोई जरूरी थोड़े है कि हम वार्ड जानता। हाँ, कोई भी फोन करेगा जरूरतमंद रहेगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जब तक शरीर में ताकत है पहुँच जाएंगे कहीं भी। कितने वर्षों से सेवा का है? 20 साल हो गया है, मेरा 20वां साल चल रहा है। सोच क्या है इसके पीछे? जब तक रहेंगे तब तक, अरे जनता है, किस्मत है, हम लोग सेवा के भावना अच्छा लगता है, जब तक अच्छा लगेगा हम सेवा इसी तरह से निरंतर जारी रखेंगे। आपको नहीं लगता यह कार्य सरकार को करना चाहिए जो आप कर रहे हैं? सरकार करती है, सरकार भी करती है, उस हिसाब से हम लोग जब नहीं कर पाती है तो हम लोग को करना उतरना पड़ता है, जमीन स्तर पर नीचे आना पड़ता है, और कोई वैसा तो बात है नहीं। जब तक हैं तब तक इसी तरह से काम, और ठंडा इतना बढ़ गया है कि जगह जगह जहाँ जहाँ लकड़ी, अभी देखिए हम लेके आए हैं यहाँ लकड़ी लेकर के, अब देख रहे हैं कि ठंड में कोई अंधेरा है, रात में कोई बाहर के लोग रिक्शा वाला गाड़ी वाला ठेला वाला तो तपता है, जब तक रहेगा हम करते रहेंगे, और जब तक ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा कोई हिला नहीं सकता, ऐसे ही काम करते रहेंगे, मेरा जज्बा है इस तरह का काम करने का। तो आपने फायरमैन को सुना कि उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करीब 20 साल से वो ऐसी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं और जब तक उनमें जान रहेगा, जब तक वो सक्षम रहेंगे, तब तक वो इस तरीके से जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। और वहीं उन्होंने इसके बारे में यह भी जानकारी दी है कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड में गरीबों की मदद के लिए अलाव की व्यवस्था करते हैं और 20 सालों से ऐसा सेवा भाव वाला कार्य जो है वो करते हुए नजर आए हैं। दरअसल फायरमैन शशि कुमार शिशु ने इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि ऐसे में रिक्शा वाले, ठेला वाले और अन्य जरूरतमंद लोगों को काफी समस्या हो रही है और इसी को देखते हुए सिर्फ अपने वार्ड में ही नहीं बल्कि विभिन्न वार्डों में भी वो अलाव की व्यवस्था करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूर दराज से भी यदि कोई लोग लकड़ी के लिए उन्हें फोन करते हैं तो वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे अभी ठंड के समय है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और धुंध भी उतनी ही ज्यादा दिख रही है और ऐसे ठंड में ये जो फायरमैन है वो पूरे गया वालों के लिए, गया वासियों के लिए एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मसीहा के तौर पर ही है, क्योंकि सारे गरीबों की मदद करने के लिए ये वहां पर पहुंच जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।